नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में आप केवल 20 मिनटों में सीखेंगे कि लाइटरूम के अंदर कैसे काम शुरू किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम केवल कुछ मिनटों में लाइटरूम के बारे में सभी कुछ जानेंगे। लाइटरूम एक बड़ा सॉफ्टवेयर है और इतने कम समय में इसके बारे में पूरी तरह से जान लेना संभव नहीं है, पर हम इसके सभी मुख्य टूल और मेनू को देखेंगे जिससे आपको इस सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी हो जाएगी। लाइटरूम रॉ और जेपेग इमेजेज को डाउनलोड, मैनेज और डेवलप करने की संपूर्ण सुविधा एक ही जगह पर फोटोग्राफर्स को प्रदान करता है। फोटोग्राफर आमतौर पर अपने इमेज की प्रोसेसिंग के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं और फोटोशॉप के नाम से भी जाहिर है कि यह फोटोग्राफर्स के लिए ही बनाया गया है, पर यह सच नहीं है। फोटोशॉप फोटोग्राफर्स के अलावा ग्राफिक डिजाइनर्स, एनिमेटर्स, डॉक्टर्स और 3D आर्टिस्ट के द्वारा भी इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके कारण इसमें ऐसे कई टूल्स हैं जो फोटोग्राफर्स के लिए आवश्यक नहीं है और उसके कारण यह सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा और जटिल हो गया है। इसलिए फोटोग्राफर्स ने एडोबी से कहा कि वे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो केवल फोटोग्राफर्स के लिए हो। तब एडोबी ने 2006 में लाइटरूम के बीटा वर्सन को लॉन्च किया जो केवल फोटोग्राफर्स के लिए स्पेशली डिजाइन था। अगर आप लाइटरूम में काम करेंगे तो केवल कंपोजिट्स बनाने के लिए या वैसे काम जिसके लिए लेयर और मास्क की ज़रूरत हो आपको फोटोशॉप की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप सब काम लाइटरूम में ही कर सकते हैं। लाइटरूम नए कंप्यूटर डिजाइन पर बना है जिसके कारण यह छोटा होने के साथ साथ फोटोशॉप से काम करने में तेज और कुशल है। जब फोटोग्राफर फिल्म का इस्तेमाल करते थे तो वो फोटो को डेवलप और प्रिंट अंधेरे रूम में किया करते थे जिसे डार्क रूम कहा जाता था, लेकिन आज डार्क रूम का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है जहां सभी काम लाइट में किए जाते हैं, इसलिए इस सॉफ्टवेयर का नाम लाइटरूम रख दिया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप लाइटरूम में फोटो खोलते नहीं बल्कि इम्पोर्ट करते हैं और लाइटरूम फोटो को सीधे एडिट नहीं करता, न ही वह फोटो को उनके स्थान से हटाता है। वह एडिटिंग का सभी काम एक सेपरेट फाइल में करता है जिसे कैटलॉग कहते हैं। क्योंकि लाइटरूम में ओरिजिनल फोटो इंटैक्ट रहती है, इसलिए कभी भी आप इमेज को ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। इस तरह के एडिटिंग को नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अभी स्क्रीन पर आप लाइटरूम के इंटरफेस को देख रहे हैं। लाइटरूम में 6 मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें आप लाइटरूम इंटरफेस के ऊपर दाहिनी तरफ देख सकते हैं। ये मॉड्यूल्स हैं लाइब्रेरी, डेवलप, मैप, स्लाइड शो, प्रिंट एंड वेब। आप अपने काम के मुताबिक मॉड्यूल्स का चुनाव कर सकते हैं, जैसे फोटो डेवलपिंग करने के लिए डेवलप मॉड्यूल, स्लाइड शो या वेब गैलरी बनाने के लिए उनके मॉड्यूल्स को आपको खोलना पड़ेगा। किसी फोटोग्राफ पर काम करने के पहले उसे आपको लाइटरूम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पहले लाइब्रेरी मॉड्यूल को खोलें और इसमें बाईं तरफ नीचे इंपोर्ट बटन को प्रेस कर दें। इंपोर्ट विंडो के अंदर आपको 3 कॉलम्स दिखाई देंगे। कॉलम 1 में आप इमेज के सोर्स को चुन सकते हैं, सेकेंड कॉलम में आपको इंपोर्ट किए जा रहे फोटो दिखेंगे और थर्ड कॉलम में आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि इंपोर्ट करते समय और क्या क्या करना है। मान लें कि सी ड्राइव में हम इस फोल्डर या फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। अब आप इसके अंदर की तस्वीरों को सेंटर कॉलम में देख सकते हैं। यहां हम उनके थंबनेल के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या उनको पूरे सेंट्रल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप इंपोर्टेड इमेज को सेलेक्ट कर लें तो इंपोर्ट का बटन प्रेस कर उसे लाइटरूम में इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करते ही लाइब्रेरी मॉड्यूल आपके सामने खुल जाएगा। लाइब्रेरी मॉड्यूल के बाएं ऊपर की तरफ नेविगेटर पैनल होता है, उसमें आप सेंट्रल स्क्रीन पर इनलार्ज इमेज के किसी पार्ट को नेविगेट कर सकते हैं। इसके नीचे कैटलॉग और फोल्डर्स रहते हैं जहां इमेज स्टोर्ड रहते हैं।
इनके नीचे कलेक्शन रहता है। कलेक्शन में डिफरेंट फोल्डर्स के इमेजेस को आप कलेक्ट कर सकते हैं। मान लें कि मैं इस इमेज को लैंडस्केप फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ इसे ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं कलेक्शन में से किसी इमेज को डिलीट करता हूँ तो यह कलेक्शन से ही डिलीट हो जाएगी, पर फोल्डर में रहेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस प्लस बटन को दबाकर आप एक नया कलेक्शन बना सकते हैं। लाइब्रेरी मॉड्यूल में नीचे फिल्म स्ट्रिप रहती है, जहां आप कलेक्शन या फोल्डर के सभी इमेजेस को देख सकते हैं। यहां किसी इमेज को सेलेक्ट कर आप उसे मॉड्यूल के सेंटर में बड़े आकार में देख सकते हैं। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया है। आप लाइब्रेरी मॉड्यूल के दाहिने कॉलम में इस इमेज की जानकारी देख सकते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, ISO, एपर्चर, शटर स्पीड, फोकल लेंथ आदि। इसी कॉलम के नीचे इमेज का मेटा डाटा रहता है, जहां आप इमेज से संबंधित और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर आप अपने इमेज को कीवर्ड भी दे सकते हैं, जिससे कि बाद में उसे खोजने में आसानी हो। किसी इमेज को एडिट करने के लिए आपको डेवलप मॉड्यूल को खोलना पड़ेगा। डेवलप मॉड्यूल को यहां क्लिक करके खोल लें। डेवलप मॉड्यूल में भी फिल्म स्ट्रिप लाइब्रेरी मॉड्यूल की तरह नीचे रहता है। इसके लेफ्ट कॉलम में ऊपर नेविगेटर भी मिलता है। नेविगेटर के नीचे आपको प्रीसेट, स्नैपशॉट, हिस्ट्री और कलेक्शन दिखेंगे। दाहिनी ओर के कॉलम में आपको ऊपर हिस्टोग्राम में दिखेगा। हिस्टोग्राम 5 सेक्शंस में बटा रहता है, ब्लैक, शैडो, एक्सपोजर, हाईलाइट एंड व्हाइट। आप हिस्टोग्राम को ड्रैग करके इमेज के किसी एरिया में परिवर्तन ला सकते हैं। हिस्टोग्राम के ऊपर दोनों तरफ आपको दो ट्राइंगल्स दिखेंगे, जो शैडो और हाईलाइट की क्लिपिंग प्रेस करने पर दिखाते हैं। मान लें कि आप इमेज को बहुत ज्यादा डार्क बना देते हैं, तो इमेज के ये डार्क एरिया ब्लू दिखने लगेंगे, और अगर इमेज का कोई एरिया बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है तो वह रेड कलर का दिखने लगता है। क्लिपिंग हमें सावधान करते हैं कि इमेज का यह एरिया बहुत डार्क या लाइट हो गया है, इसे ठीक कर ले, वरना यहां की डिटेल्स गायब हो जाएगी। यही इस सेक्शन के नीचे रीसेट का बटन रहता है, इसे दबाते ही इमेज अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। डेवलप मॉड्यूल के पहले सेक्शन में आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि इमेज को आपको कलर या ब्लैक एंड व्हाइट में एडिट करना है। ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करने से इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाती है। मैं यहां कलर सेलेक्ट कर रहा हूं। डेवलप मॉड्यूल के दूसरे सेक्शन में आप इमेज के व्हाइट बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। मैं यहां इस इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूं, जो कि टंगस्टन लाइट में ली गई है। इस आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करके इसे उठा लें और इमेज के किसी हिस्से पर क्लिक करें जो कि व्हाइट या ग्रे कलर की हो सकती है, और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक ही क्लिक में व्हाइट बैलेंस ठीक हो गई है। अगर आपकी इमेज रॉ फॉर्मेट में है तो यहां क्लिक करें, आपके सामने व्हाइट बैलेंस की मीनू आ जाएगी, जो कि कैमरा में मिलती है। क्योंकि यह इमेज टंगस्टन लाइट में ली गई थी, मैं टंगस्टन पर क्लिक कर रहा हूं, और देखिए इमेज की कलर एक क्लिक में सही हो गई है। यदि आप चाहें तो इस टेम्परेचर स्लाइडर से भी इमेज के व्हाइट बैलेंस को सही कर सकते हैं। और इस नीचे वाले स्लाइडर से आप इमेज को ग्रीन या मैजेंटा टिंट दे सकते हैं। इसके बाद का सेक्शन इमेज के टोन को ठीक करने के लिए है। आप यहां ऑटो पर क्लिक कर सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि इससे इमेज के टोन पूरी तरह सही हो जाए। आप किसी स्लाइडर को यहां ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर हिस्टोग्राम भी बदल रहा है। एक्सपोजर स्लाइडर से आप हिस्टोग्राम के बीच वाले सेक्शन या इमेज के मिड टोन को ठीक कर सकते हैं। हाईलाइट स्लाइडर इमेज के दाहिनी ओर के हिस्टोग्राम या इमेज के हाईलाइट पर प्रभाव डालता है।
और ब्लैक स्लाइडर इमेज के लेफ्ट हिस्टोग्राम या शैडोज पर अपना प्रभाव डालता है। आप इमेज को देखकर उसके हिसाब से स्लाइडर का उपयोग कर उसे ठीक कर सकते हैं। शैडो और हाईलाइट की क्लिपिंग वार्निंग आपको गलती होने पर सावधान भी करती है। अगर आप काम करने के दौरान ओरिजिनल इमेज को देखना चाहें तो बैक स्लैश दबाकर उसे आप देख सकते हैं, या यहां से आप बिफोर और आफ्टर इमेजेस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन का नाम प्रेजेंस है। यहां आप क्लियरिटी स्लाइडर को अगर दाहिनी ओर खिसकाएं तो इमेज क्लियर होके पॉपअप करेगी और बाईं ओर करने पर इमेज सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन इसे समझबूझकर इस्तेमाल करें, नहीं तो आप अपनी तस्वीर को खराब कर बैठेंगे। डीहेज स्लाइडर को दाहिनी तरफ खिसकाने पर यह इमेज के हेज को खत्म करती है। इसके लिए मैं एक लैंडस्केप के फोटोग्राफ को लेकर उस पर आपको इसका प्रभाव दिखला रहा हूं। अगर आप इसे बाईं ओर ले जाएंगे तो आपके इमेज में हेज या धुंध बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको दो स्लाइडर्स और मिलेंगे जिससे आप इमेज के कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पोर्ट्रेट पर इसका प्रभाव दिखा रहा हूं। वाइब्रेंस मिड टोन पर ज्यादा असर डालता है, जबकि सैचुरेशन पूरे इमेज को प्रभावित करता है। पोर्ट्रेचर में वाइब्रेंस का इस्तेमाल ही बेहतर रहता है। अगर आप इन स्लाइडर्स को बाईं तरफ ले जाएं तो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन यह ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन टोन कर्व का है। टोन कर्व के स्लाइडर्स की सहायता से आप इमेज के हाईलाइट, लाइट, डार्क या शैडोज को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। इस सेक्शन के ऊपर बाईं तरफ एक टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल रहता है। टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल को आप इमेज के किसी भाग पर रखकर माउस से ड्रैग कर उस एरिया को लाइट या डार्क कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहां आपको करके दिखा रहा हूं। इसके बाद HSL या ह्यू सैचुरेशन और लुमिनेसेंस स्लाइडर आपको मिलेंगे, जिनकी सहायता से चुने हुए कलर की ह्यू सैचुरेशन और लुमिनेसेंस को आप बदल सकते हैं। इस समय आपको दिखलाने के लिए मैं रेड कलर को सेलेक्ट कर रहा हूं। आप इमेज के रेड कलर को देखें कि इन स्लाइडर से कैसे उनको बदला जा सकता है। ह्यू स्लाइडर से आप देखें कि रेड कलर के ह्यू को कैसा बदला जा सकता है। सैचुरेशन रेड कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकता है। ल्यूमिनिसिटी कलर में लाइट या डार्क मिक्स कर उसे बदल देता है। अब मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर रहा हूं। इमेज में देखें कि कैसे तीनों स्लाइडर का इस कलर पर प्रभाव पड़ रहा है। HSL स्लाइडर के बाद आपको स्प्लिट टोनिंग का सेक्शन मिलता है। यहां आप हाईलाइट और शैडो के कलर को मन मुताबिक बदलकर इमेज को क्रॉस प्रोसेसिंग या कोई अन्य लुक दे सकते हैं। मैं यहां इमेज के हाईलाइट को येलो कर रहा हूं और शैडोज को ब्लू कर इमेज में इफेक्ट डालकर आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद डिटेल का सेक्शन हमें मिलता है। यहां हम इमेज को शार्प कर सकते हैं और उसकी नॉइज को भी हटा सकते हैं। इमेज की शार्पनिंग इफेक्ट देखने के लिए उसे जूम कर लें। अल्ट को दबाकर अमाउंट स्लाइडर को मूव करें। आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगी, जिससे कि शार्पनिंग का इफेक्ट देखने में आपको मदद मिलेगी। आप इस अमाउंट स्लाइडर से जितना चाहें अपनी इमेज को शार्प कर सकते हैं। मास्किंग यह निर्धारित करता है कि इमेज के किस हिस्से पर शार्पनिंग का असर पड़ेगा और किस पर नहीं। अल्ट बटन को प्रेस करके मास्किंग स्लाइडर को मूव करें। आपको इमेज के कुछ एरियाज ब्लैक और कुछ एरियाज व्हाइट दिखेंगे। ब्लैक एरियाज पर शार्पनिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा।
जैसे पोर्ट्रेट में आप आंख, नाक आदि को तो शार्प करना चाहते हैं पर स्किन को सॉफ्ट रखना चाहते हैं, ऐसा आप मास्क की सहायता से कर सकते हैं। शार्पनिंग करते समय सावधान रहें क्योंकि ज्यादा शार्पनिंग करने से इमेज के एज पर हैलो आ जाता है जो कि इमेज को खराब कर देता है। इसके बाद नॉइज रिडक्शन का सेक्शन आपको मिलेगा। नॉइज को देखने के लिए इमेज को पहले इनलार्ज कर लें। हाई आईएसओ इमेज में ज्यादा नॉइज होता है। नॉइज दो प्रकार के होते हैं, कलर नॉइज और लुमिनेसेंस नॉइज। इस इमेज में आप कलर नॉइज को यहां छोटे छोटे डॉट्स के रूप में देख सकते हैं। कलर नॉइज स्लाइडर को मैं मूव कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये कलर नॉइज गायब होते जा रहे हैं। अब मैं लुमिनेसेंस स्क्राइबर को मूव कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि ये नॉइज के डॉट्स गायब होते जा रहे हैं। नॉइज को आवश्यकता से अधिक रिमूव ना करें, नहीं तो ये आपकी इमेज सॉफ्ट और स्मजी हो जाएगी। इसके बाद लेंस करेक्शन का सेक्शन आता है। यहां क्रोमेटिक एब्रेशन और प्रोफाइल करेक्शन को क्लिक कर सेलेक्ट करें। लाइटरूम आपके कैमरे के लेंस के एब्रेशन को ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, लेकिन यहां इसने कैमरा के मेक को डिटेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैं मैन्युअली यहां कैनन कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि ऐसा करते ही इसने कैमरे के लेंस को डिटेक्ट कर लिया है और उसके एब्रेशन को भी इसने रिमूव कर लिया है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। डेवलप मॉड्यूल के लेफ्ट कॉलम में हिस्ट्री पैनल होता है, जिसमें आपने इमेज पर जो भी काम किया है वह रिकॉर्ड होता चला जाता है। यदि आप किसी हिस्ट्री स्टेज पर क्लिक कर दें तो इमेज उसी स्टेज पर चली जाएगी। हिस्ट्री के ऊपर आपको कई प्रीसेट्स मिलेंगे जिससे आप अपनी इमेज को यूनिक लुक दे सकते हैं। आप केवल इन प्रीसेट्स के ऊपर अपनी माउस को ले जाएं, लाइटरूम आपको उस प्रीसेट का इफेक्ट दिखला देगा। अगर कोई प्रीसेट आपको पसंद आ जाता है तो उस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को आप अपने इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इमेज की एडिटिंग कर चुके हों तो लाइब्रेरी मॉड्यूल में एक्सपोर्ट बटन पर प्रेस कर दें। यहाँ एक्सपोर्ट के लोकेशन को सेलेक्ट करें और फाइल का एक नाम दे दें। इसके साइज को भी यहाँ आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट बटन को दबाकर इमेज को एक्सपोर्ट कर दें। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगले ट्यूटोरियल्स में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।